इन्हें भजन नहीं होए, संगीत नहीं होए तो जो नए नए बालक में खोपड़े चाटते हैं, भाई मेरी दुकान है तो सब सामान है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब मेरे यहाँ जिस जो ग्राहक हैं वो दो तरह के हैं, हैं अब जाके मन की नहीं होए तो जी बुरा मानते है, और बाकी मन की नहीं होए तो वो बुरा मानते है। पर मेरी सब दोनों से प्रार्थना है भैया, देखो एक बेर में तो नेकाद बानगी आवेगी, ये तो बेर बेर को काम है। पहले हर में तो थोड़ी सरसों बो देवे, गेहूँ बोने हैं तो पहले एक बेर हर चला के बो देवे, पहली बेर में तो ना खेत में खरवाच होते है, वो तो फिर डबल ट्रिपल जब जोत लगेंगी तब जाके अन्न होगा में है। और जी एक बेर मोह निचोरी भी डोलते हैं भजन वाई, तो जो चाहते हैं कि जीव भजन है जाए, बहु भजन है जाए, जीव भजन है जाए, है ना। और कथा वाई का चाहते हैं जीव कथा है जाए, बहु कथा है जाए, जीव कथा है जाए, ऐसे नहीं होगा भैया। अभी पहली बेर तो जोत लगाए आए हूँ, अभी तो पहली जोत है, हैं जहाँ में तो कछू रह जागो, बहुत कछू रह जागो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये वोल्टेज कम थे तो मैं बताना चाहिए था, तीन दिन से हम भी समझ रहे थे गले में क्या हो रहा है, ये माइक पकड़ नहीं रहा, तो आज ही शाम तक जो है आ जाएगा। तुम समझ रहे कोई बटन हल गई है, कहाँ है वो, ये देख लिया कर, अल्टरनेटर नेटर की लाइट में और जनरेटर की लाइट में अंतर होता है। तो साइलेंट जो जनरेटर होता है उसको ही मंगवा लेना है ना। और ये शायद 25 वाट का है, 40 वाट का काम करता है इस सेट को उठाने के लिए, है ना। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सती जी ये अब कथा चालू है गई या बाद में कर ली हो, बेन्यो ही कह रहे हैं, नहीं बेन्यो कह रहे हैं कथा चालू है गई है, बिना की बात समझो करो, जब कथा चालू है जाओ करे तब सब काम बंद कर दे, फिर नेक देर एक घंटा ना रहो बताओ। और बहुआ तुम बात ना निकालोगे तो सती जी को शंका हो गई भगवान में राम में, जब शंकर भगवान ने कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलेउ मनोज नसावन। बोले जी कैसे भगवान है जो रो रहे हैं, तो शंकर भगवान बोले कि ये नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उन्हें तुम समझो। लेकिन वे नहीं मानी तो परीक्षा ले वे चली गई, और परीक्षा ले वे गई तो भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि बाहर राम भीतर राम ऊपर राम नीचे राम इधर राम चारों तरफ अपनी व्यापकता का बोध करा दिया। लौट के आई शंकर भगवान ने कहा लीन परीक्षा कवन विधे कहु सत्य सब बात। इस कैमरे को थोड़ा सा ऐसे किया करो जी, ये जो खंबा है इसके
ये हमारे श्रोताओं के बीच में आते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते जी, कैमरा फैमरा कोई है। ये मौका है दर्शन करने का, आंख से आंख मिले, मेरे जो एक्सप्रेशन है वो समझ में आए। तो क्योंकि हर अंग कथा कहता है, आंखें अलग कहती हैं, उंगली अलग कहती है। ये जो पीछे बैठते हैं इनके कथा 40-50-60% ही समझ में आती है, नहीं आती नहीं है। बिना ना पता उन्होंने मैंने इशारा क्या किया, मैंने क्या कहा, पर वे तो धर्म के लिए कथा सुनते। हाँ कथा सुनियाए, पुण्य है वो है। और जो वाकई श्रोता होगा उसका तो पीछे मन ही नहीं लगेगा। यदि कहा लेट है गो तो कछू कछू करके घुसपैंट करके वो आगे घुस ही आवेगा, उसका मन नहीं लगेगा। तो भैया शंकर भगवान के पास लौट करके आई हूं, वहां भी झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। शंकर भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, वो समझ गए सब। सती जो कीन चरित सब जाना, त्याग कर दिया। आखिरकार सती को मरना ही पड़ा, क्योंकि जो परमात्मा में और महात्मा में श्रद्धा के बजाय शंका से भर जाएगा उसको एक दिन जल करके मरना ही पड़ेगा। अब चाहे मानो, बोलो करो, चाहे मत मानो। ये शंका से भर गई, संशय से भर गई, और शंकर भगवान राम जी की उस लीला को देख करके श्रद्धा से भर गए, भाव से भर गए। भैयाओ लेकिन मरते मरते एक अंतिम जो है एक बात कह गई, बंद हो गया क्या हुआ? मरते मरते एक मिनट, ठीक है, ऐसे चलन तो नहीं और बिगड़ जाएगा। मरते मरते एक प्रार्थना करके चली गई, क्या? सती मरत हरि सन बरमागा, जनम जनम शिव पद अनुरागा, जनम जनम शिव पद मरत हरे शन बर मां। और गीता जी में कहा है यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति अंतिम समय मरते समय जाको ध्यान करके मरेगो बाय वही योनि में जानो परेगो। इसलिए हमारे शास्त्र में कुत्ते को रोटी डालना पुण्य है, सेवा है, लेकिन कुत्ते को पालना दोष है। रोटी डालो, यदि कुत्ते को हम रोटी डालते हैं तो हमारे घर में अचानक दुर्घटना नहीं होगी। दुर्घटना से, क्योंकि कुत्ता भैरव बाबा का वाहन है इसलिए दुर्घटना से बचाता रहता है, एक्सीडेंट से बचाएगा, अचानक से कोई घटना होगी उसे टाल देगा। लेकिन यदि पाल लिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो इतना इतना प्रेम करने लगता है कुत्ता मनुष्य को कि फिर मनुष्य का मन कुत्ते में लग जाता है, और कुत्ते में लगा हुआ मन और उस समय कहीं प्राण छूट गए तो कहां पहुंचेंगे, कहां बनेंगे? तो मेरी तरफ मौकर काई कह रहे हैं। भाई मेरी तरफ तो तुम सोच रहे हो, जो पहले तो पूछ रहे हैं और फिर ऐसे कह रहे हैं।
इसलिए यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैत्य कौन्ते यह सदा तद्भाव भावितः। उसी भाव से जो वो लपेटे में आ गया, भाव से भावित हो गया, तो फिर उस योनि को चला जाएगा। इसलिए हमारे यहां ऐसी जगह मन नहीं लगाया जाता जहां मन लगाने से अधोगति को चले जाए, है ना। अच्छी योनि को जाने के लिए, अच्छे लोकों को जाने के लिए हमें देवताओं का पूजन है। इसलिए अंतिम समय पर जो मांग करी हृदय से पार्वती सती ने, इसलिए अगले जन्म में हिमाचल के यहां जन्म हुआ। फिर तपस्या करी, साधना करी, और फिर भोले बाबा के साथ में दोबारा से विवाह हुआ। लेकिन अब अंतर पड़ गया। तीन तरह के इंसान होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनसे गलती होती नहीं है, जो बहुत समझदार होते हैं। एक वो होते हैं कि गलती होती तो है लेकिन उस ठोकर से समझ जाते हैं, फिर जीवन में फिर गलती नहीं होती, दूसरे। और तीसरे वे होते हैं कि रोज गलती कर रहे हैं और रोज ठोकर खा रहे हैं। अब ये ठेका पे जा भी भाई लोग होते हैं, हैं? ये गलती करते हैं और सवेरे जब जगेंगे तो सौगंध खाएंगे, अब नहीं, अब छोड़ देंगे। कल जन कहाँ कहाँ बेइज्जती भई, और कहाँ कहाँ लोग सोच रहे होंगे। सवेरे सौगंध खाएंगे, दोपहर तक काट लेंगे दिन, और जैसी सांझ हेवे को आवेगी फिर सोचेंगे कल ये तो छोड़ेंगे, आज तो कल ही देखेंगे। तो रोज ठोकर खाना, लेकिन रोज गिरना, रोज ठोकर खाना। तो ये जो तीन प्रकार के जो मनुष्य हैं, सती ने ठोकर खाई लेकिन एक ही ठोकर में अकल ठिकाने आ गई और समझ गई कि अब मुझे गलती, अब मुझे शंका नहीं करनी, संशय नहीं करना। इसलिए उसने भोले बाबा को पा लिया। इसलिए फिर पार्वती के लिए क्या कहा, रामायण के जो सात श्लोक हैं पहले, उनमें एक बड़ी प्यारी बात कही है तुलसी बाबा ने, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी है श्रद्धा और भोले बाबा है विश्वास। सती नहीं है श्रद्धा, सती में तो संशय भरे हो, लेकिन जब वो पार्वती बन गई है तब भी बन गई श्रद्धा। भैया जब वो श्रद्धा बनी तब उन्होंने फिर भगवान से कथा पूछी है, राम कथा। और तब शंकर भगवान ने राम कथा फिर कहूं बाहर ले जानी नहीं पड़ी, फिर तो अपने महादेव को ही श्रद्धा से गुरु मान करके फिर वहीं से राम कथा सुनी है। अब जो है मनुजी महाराज के जो दो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं, पहली का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति कौन है, हमारी जो माताएं यहां बैठी है ना, इनमें कुछ सुनीति हैं कुछ सुरुचि हैं। सुनीति वो है जो नीति पे चले, धर्म पे चले, अपने परिवार सवे समेट के चले, सब कुछ सेवा करके, सबको अपना मान के, परिवार जोड़ के चले, तोड़वे की कोशिश न करे। वो कौन है, है? तुम ते को पूछ रहे हो भाई, तुम बीच में बड़ी बुआ बन जाता हो, अब बिना की बात चल रही है तो भी अपने आप बताऊंगी। वे कौन है, सुनीति। और सुरुचि कौन सी है, जाए आदमी के अलावा न ससुर से लेनो देनो, न सासुते, न देवरते, न जेठते, हैं? घर में काउ तो लेनो देनो ना है, केवल अपने आदमी ते लेनो देनो है,
और अपन ही पहरेब अपन ही खाएब अपन ही ओढ़ब है और अपना काम बनता और बाढ़ में जाओ। ऐसी जो मानसिकता रखती हैं वो है सुरुचि। अब अपनो अपनो देख लियो, आओ अगल बगल भाई मत देखो, एक तो माताएं क्या है अपने में ना देखते दूसरे में देखते हैं। और काम बनेगा कब है? अपने में देखवे थे है ना। एक जो है सुई अति सुई और वो चलनी ते बोली चलनी ते, चून छानवे की चलनी होती है ना उससे, और चलनी दोनों बात कह रही। हाँ चलनी कह रही सुई ते, कह ए सुई ते तो महादेव खेवे को धर्म ना। बोले क्यों? बोले तेरे तो माथे पे छेद है, ते माथे पे छेद। सो सुई बोली बिल्कुल सही कह रही है बहना, तू तो पूरी छिदी छिदाई परी है। देख अपने मोहे तो देख, अपने भीतर तो देख, मेरे तो एक ही छेद और तो में तो गिनती ना। तब बाको मोह बंद भयो। ऐसे ही जो माताएं ऐसी बात करती हैं, चाहे अब अपने में लाख अवगुण होंगे लेकिन दूसरे को बखान करेंगी, बेचलनी है। और चलनी जो होती है ना वो सुरुचि है। जो चलनी होती है ना वो कभी अच्छे अच्छे है रखेगी नहीं अपने पास। चलनी में और सूप में क्या अंतर होता है मैया पता है आपको? सूप जो होता है वो भी छटनी का काम करता है और चलनी भी छटने का काम करती है, छटनी करते हैं दोनों। लेकिन सूप क्या करता है? सूप जो है अच्छे अच्छे को रख लेता है और बेकार बेकार को निकाल देता है, फेंक देता है, हटा देता है। माताएं जब सूप से गेहूं फटकती हैं ना तो ऊपर ते कूड़ा करकट निकाल के फेंक देंगी, और बाम नीचे कचु रह जाओ तो बहुए निकाल निकाल के गेहूं पीछे कर लेंगे और आगे ले जाके सोई निकाल के फेंक देती हैं। हाँ या ना? तो सूप भी छांटने का काम करता है और चलनी भी छांटने का काम करती है। ऐसे ही दो तरह की माताएं हमारे यहां में भरतपुर में, कछु चलनी जैसी हैं और कछु बोलो तो करो सूप जैसी। अब जिनते तुम्हें नहीं कर दी ताते तुम्हें ये बोल लो। तो सूप जैसी कौन है और चलनी जैसी कौन है? जो पूरे गांव में छटनी करेंगी लेकिन अच्छे इनते बिने कछु लेनो देनो ना, जैसे चून छानते हैं तो चूने निकाल देंगी अलग और अपने में काय रखेंगी भूसी है कूड़ो करकट है, यदि घुनगा होगा तो घुने है बुरे बुरे चलनी सब है समेट के अपने भीतर रखेगी। और अच्छे है अच्छे तो बिल्कुल भाई लेनो देनो ही ना। तो जो पूरे गांव में आसपास में नातेदार रिश्तेदारी में सबकी बुराई ने छांट के अपने पास धर के राखे वो चलनी है, वही सुरुचि है। और सूप कौन है? जो दुनिया भर में ते भलाई भलाई है, अच्छी अच्छी बातन ने, अच्छे लोगन की बातन ने अपने पास रखे और बुरी बुरी बातन ने फेंक दे सूप की तरह, वो सुनीति है। अब हाथ खड़े करवा लूं कौन सुनीति और कौन सुरुचि? तुम क्यों घुसे रहे भैया? नहीं ये बात सही नहीं है, तो दूसरी पोल खोल रही है। अच्छा जन्म कछु तो ऐसे होंगे जिनकी घरवाई बैठी होगी तो वे देखन चाहता है कि हाथ तो काय बैठाड़ो है ना। हाथ खड़े कराऊंगा नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूं है भाई, मैं किसी के पोल नहीं खोलना चाहता। और मैं तो ये चाह रहा हूं कि अब तक जो कछु रही सो रही, पर अब सभी माताएं चलनी न रहे, का बन जाए सूप सुनीति है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सार को गही रहे ओ
और धोता दे थोड़ा। ई माता ऐसी चाहिए जैसा सूप सुहा, सार सार को कह रहे और धोता दे उड़ा। अच्छी बेटियों को, अच्छी माताओं को बचपन से ये अभ्यास करना चाहिए। कहीं मैं बुराई ग्रहण तो नहीं कर रही, मैं कहूं मैंने कहूं कि गलती याद तो ना रखी। जो चलनी होती है ना वे पतो ना जन कितने दिना की काउंटिंग करके रखते हैं, याद रखते हैं तारीख दिना तिथि। जैसे कह देना बिने की आदमी तो लड़ाई आ जाए, आदमी तो बेचारो ऐसी बात नहीं याद ही ना रख, लेकिन वो याद रखेंगी तेने फलाने सन में फलानी तारीख को फलाने दना मोते न्यो कही और मेरी मम्मी के बारे में। ए मैया ऐसे रखती है ना कुछ? हाँ नारे हलाए नारे का जो कम ला रहे। अच्छा वैसे में जो कहते मो कछु याद ना रहे तो चाबी धर के भूल गई ने, और माँ पैसा धर के भूल गई, याद ना रहे तो और ने लड़ाई उन दे। ओ भैया सन सन 1988 की बात याद है, 1988 में तुमने मेरे भैया के बारे में बात ना जो कही ना। तो ये चलनी जैसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। तो जो सुनीति थी ना उसका बेटा था ध्रुव। ध्रुव जी महाराज जो गद्दी पे बैठे हुए जा रहे, गोदी में चढ़े रहे राजा की में, उत्तानपाद की में, उत्तानपाद की गोदी में चढ़ रहे। तो छोटी ने सुरुचि ने पकड़ के खींच लिया, जल रही थी, बोले जा गोदी में तब बैठेगा जब पहले भगवान ने मना, और भगवान जब कृपा कर दें तो मेरी कोख में आ, फिर मेरी कोख से पैदा हो तो वजह गद्दी पे चढ़े वो। ध्रुव जी आए अपनी माँ के पास आकर के रोने लगे, मैया मेरा पिता कौन है? बोले महाराज गद्दी पर बैठे हैं वही तेरे पिता हैं। बोले ऐसे कैसे पिताजी? कि मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर देखते रहे। सुनीति ने कहा बेटा अभी हमारे दिना टेढ़े चल रहे हैं, ताते ऐसा है गो है। बोले पर तू कौन पीट्यो काय गु पीट्यो? तब मैंने बताई कि ऐसे ऐसे मौसी ने मैं ऊपर ते खींच लो और मोते कही कि पहले भगवान को भजन कर, तपसा राध्य पुरुषम तस्वानुग्रहेण में गर्भे तम साधयात्मानम यदि क्षसी निपासनम। तो बोले मैं बड़ा उन बेज्जती करी मेरी। अब देखो कैसी बात पकड़ रही है माँ सुनीति। वो कह रही बेटा तेरी माँ ने अच्छी बात ही तो कही है कि तपस्या करे, बस ने के पीछे की बात हटा दे, तपस्या करना कोई बुरी बात नहीं है, और तू तपस्या करेगा ना तो ऐसी गोदी और ऐसी गद्दी तेरे पीछे पीछे डोलेंगी तपस्या करके तो दे। क्या भर दिया सुनीति ने। यदि कोई वैसी माता होती ना चलनी वाली तो जहर भर देती कि बेटा मैंने बहुत सहन करे है, तूने का बड़ो है जा है, जहर भर देती परिवार में आपस में। बहुत सी माताएं इतनी मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो ठीक नहीं होती जो अपने परिवार में ही बैर डालती हैं, कहते चाची न्यों खराब होती थी और चाचा न्यों बुरो हतो, बिन्ने भाई संग बेईमानी करी फिर वे न्यो बुरे हते और ते तू बिल्कुल वहाँ नहीं जागो न्यो नहीं मिलेगो। अरे तेरे मन में जो बुराई भरी है भाई अपनी औलाद में मत बोवे, नहीं तो काउदना बैर के बीज बोव जाएंगे तो काउदना खानदान में लड़ाई होगी, मटिया मैट है जागो। अब क्या कहूं मैं, मैंने अपने भतीजों से चाचा ताऊओं को छुप छुप के मिलते देखा है राजस्थान में, क्योंकि भैया बे तो खून है ना, भतीजों से चाचा को ताऊओं को प्यार होता है और बच्चों को भी अपने चाचा ताऊओं से प्यार होता है, लेकिन माँ मिलने नहीं देती। माँ डांटती है कि खबरदार यो ताऊ के पास गया तो,
माँ डांटती है, खबरदार जो चाचा के पास गया तो। लेकिन वो क्या करते हैं, बच्चा गया स्कूल को और वहीं पे ताऊ पहुंच गए, ताऊ ने गले से लगा लिया, बेटा मम्मी को मत बताना, तू मेरा बेटा है ना, मेरा प्यारा बेटा है, मम्मी को मत बताना। गले से लिपट करके मैंने भतीजे को और ताऊ को रोते हुए देखा है। ले बेटा टॉफी खा लियो, हाओ ले ये 10 रुपया धर ले, ले ये पॉकेट मनी धर ले, मां को मत बताना। ये खून के रिश्ते होते हैं ना मैया, इनमें दरार डालने की कोशिश मत करना। एक दिन बताऊ की बात जो है, जन कैसे ली कह गई कि जो बच्चों को प्यार करने जाता है स्कूल पे, तो तुरंत माने डांटते हुए कहा, मेरे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाए, नहीं मैं फिर आड़े हाथों ले लूंगी। एक बात बताऊं, माता वो सचमुच में आदरणीय है जो अपनी कितनी घटपट चल रही हो पर कभी चाचा ताऊ में आपस में बच्चों में उनके प्रति जहर न भरे। एक दिन पता चल गया उसे, उसने 4 खटी खरी खोटी सुनाई कि खबरदार जो मेरे बच्चों को पैसे दिए किसी ने भी, ताऊ सुनना हो तो। लेकिन ताऊ को मन नहीं मान्यो, बच्चे से जाके फिर मिला वो, उसने कहा बेटा तेरी मम्मी डांट रही थी, मेरे को भी गाली दी, पर कोई बात नहीं, मैंने सब सुन ली, तू भी सुन ले और मैं भी सुन लूं, पर मुंह पर तो तेरे बिना ना रह जात और तो पर मेरे बिना ना रह जात, तो हम तो मिलेंगे। जब ज्यादा अति करने लगी वो मां, तो एक दिन वो जाकर के खुद जेठ जाकर के बोला, बेटा फलाने की मम्मी, ये मेरे भतीजे मेरे बेटे के समान है, मुझे बड़ा पापा भी कहते हैं, और तू मुझसे मिलने से रोकती है, मैं इन बच्चों का बुरा नहीं चाहता, मैं उन बच्चों का भला चाहता हूं, पर ऐसा मत किया कर मैं तेरे हाथ सामने हाथ जोड़ रहा हूं। जेठ कह रहा है, क्योंकि जेठ ये जानता है कि बैर के संस्कार पड़ गए तो आगे जाके खानदान बिगड़ेगा और प्यार बने रहे तो। हाथ जोड़ के कहता है, बेटा तू मेरे घर की बहू है, मेरे छोटे भाई की घरवारी है, मैं तेरो जेठ हूं ससुर के समान, पर मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, बच्चों को हमसे मिलने से मत रोका करो, तू चाहे तो मेरो हिस्सा ले ले पूरो, ये खून के रिश्ते हैं, इन खून के रिश्तों को बर्बाद न कर, चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले पर बच्चों के मन में दीवार न कर, ये खून के रिश्ते हैं। मेरे गुरुजी एक कथा सुनाते हैं, दो भैया भैया थे, बड़ा प्यार करते थे आपस में, बहुत प्यार, राजस्थान की बात है, प्यार करते थे, उन दोनों में इतना प्यार था कि मित्र की तरह रहते थे, एक संग खाना है, एक संग बैठना, एक संग रावड़ी खाते एक ही थारी में। लेकिन उनके घरवारी ऐसी आ गई कि उन्होंने जो अपने बच्चों के दिल में जो जहर घोर दिया, वे बड़े बूढ़े होने लगे, बेटा जवान होने लगे, दिल में जहर घुला होता है तो लड़ाई में 1 मिनट लगती है, चूंकि पहले तो ही तैयार है लड़ाई में, बहानों चाहिए, तो नेक का बात पर लड़ाई है गई, आपस में गोली चल गई, पर मरे कोई नहीं, 1 के 4 1 के 5 9 पत्थर दोनों भैया के। लेकिन दोनों भैया आपस में मिल मिल के रोत है कि भाई न तेरी चल रही और न मेरी चल रही, इन डाहिने ने आकर हमारे खानदान को चौपट कर दो, और अब जे बालक है गए जवान और एक दूसरे खून के प्यासे हैं, बिना बात की लड़ाई, न खेत पे न काऊ पे न मेड़ पे, बिना बात की लड़ाई, इतनी तगड़ी लड़ाई के बोला चाली बंद और एक दूसरे खून के प्यासे,
अब बामे भयो का है जी, अकेले खेत बजा के चुपचाप रोए करे बैठो करे मिलो करे। बालकन समझा तो जो खून गर्म हो तो बेका सुनते है, बोले तुम बूढ़े हो चुपचाप दिमाग खराब मत करो, बिन्ने हमारे संग माँ ऐसो करो, बिन्ने ऐसो करो। वे कहते भैया कब करो तुम बताओ तो सही। बोली मम्मी कह रही थी। अब मम्मी तो बना कर मंत्र आ की तरह कहती थी। एक दिन क्या हुआ पता है, इसी गम में जो बड़ो भैया तो का उन्हें वृद्धावस्था को ज्यादा है, वो भाई अटैक पर गो। जब अटैक पर हो ना वो मर गो, तो छोटो भैया पतो पर ही भागन लगे हो, तो बालकन ने ले के और बंद कर दो कबर। हम बोले हमारी लड़ाई चल रही है, हम न न पांत में जाएंगे न फूंक में जाएंगे। अब जिनकी इतनी बड़ी प्यार रहे हुए और वो भैया मर गो हो, भैया पे का बीत रही होगी। नालायकन ने कबरा में बंद कर दो और बोले 13 दिना तक तुम घर में से निकलोगे नहीं, यही रोटी मिलेगी। अब बेचारो कबरा में रोवे कि मैं भैया के अंतिम दर्शन करा दो भाई, मैं बेटन ते आज जो रहूं भाई, मोए मेरे भैया चलते भाई देख लन दे, मैं भैया भैया इतने संग रहे मैं चलते नहीं देख पायो तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन कमखत औलाद ने नेक दया न करी, कंडा देवी नहीं जान दो, 13 दिना तक बंद रखो। चाचा 13वें दिना बाकी 13वीं हती खीर पुआ रे, वो बेचारा अपने कमरा में रो रो और भगवान ते जो करो भगवान अगलो जन्म मोई दे तो ऐसी पत्नी मत देना, चाहे मुझे गरीब बना देना चाहे कुछ भी दे देना, जो मेरे घरों का बंटवारा करे, परिवार का बंटवारा करे, भैया भैया में जहर घोल दे, बच्चों में जहर घोल दे, ऐसी नारी मत दे देना। चाहे तुम मुझे कितने भी गरीब घर में दे देना। 13वें दिना मालपुआ भय शाम तक बंद राख्यो, फिर लोगन बाकी बालक है, 4 बालकनों को बाप वो बड़े के 9 5 है। शाम है गई तो खोले अब जाए निकाल दो, बाकी किवाड़ खोल दे तारा खोल दो। लेकिन जब शाम को थोड़ा भंडारो बचो तो गांव के जो काम बारी हतकाए उनको दोबारा कह दी कि भाई तो दोबारा खा जाओ, जो काम बारे अतकाए कार्यकर्ता नहीं छोटे लोग, वे दोबारा उनकी पंगत बैठ रही। अब ये जाके जो छोरा अतकाए वे तो निकल गए काम फाम पे, इतने तो और जाए मौको मिल गो। और जाए के बाद चौथे समाज के लोग नमें चुपचाप पाते में बैठे हो कि मो एक अपने भैया को पुआ मिल जाए। और जहां पन्हैया उतर रही ना सबकी कोने पे माँ जाके बैठ गो और अपने भैया की याद करके नीचे मोह करके रोवे आंसू डाले कि भैया मैं तो विदा नहीं कर पाया, मैं तो चलते हुए देख नहीं पाया, लेकिन मेरा दोष नहीं, मेरी औलाद पे तो चली नहीं, भैया मुझे क्षमा करना। ऐसे रोतो जा रहा और पत्तल पर से गई, सरैया पर से गई, माने मोह नहीं दिखाया अपनो, स्वापी से मोह बांध रहा। लेकिन जन कैसे जो खीर पर से आयो, माने निगाह करी कि जितो लग रहा चाचा है, माने नेक न्यू करके झट स्वाफी हटाई, माने स्वापी से ढक बताइयो मत, नहीं जिन्हें मैं अब गोली चल जाएगी, मैं अपने भैया को प्रसाद पाए आयो। माँ ने खीर की बाल्टी मई धरी और अंदर गवा कि 5 लड़का है ना, 5 अंदर बैठे। माने कि नालायको तुम्हारो चाचा पन्हैया में बैठे हो, अच्छा खून कैसे हुए, खून तो खून होता है ना, चूंकि बात चाचा नहीं जिन्हें बहुत प्यार दो, एक दूसरे में प्यार उनमें था लेकिन औलाद में ऐसा है वो। मान की नालायको तुम्हारो चाचा बैठे हो पन्हैया में, बोले हैं। 5 दौड़े चले आए और चाचा के पावन में गिर गए, चाचा अंदर चला, चाचा रोए पड़े,
जेठ भल्ले ही गले लगाए अंदर ले गए और पांचों पांव दबाने लगे, चाचा अब तो हमारा बाप चले हो, अब तो हमारी आप ही बाप हो। बोले तुमने मैं बुलायो क्यों नहीं? चाचा हमने ताते नहीं बुलाए कि वो आन नहीं देते, हमारे जो भैया तक आए। बाप चाचा ने कही बेटा हो मेरो भैया तो जई गम में मरे है और मैं जई गम में मरूंगो, यदि तुम मेरे हाथ जोड़ी में एक बात मान ले हो, यदि मैं जिये तो तुम एक है जाओ ना, तो शायद मैं जी तो सुकून ते पायो नहीं पर मर जाऊं, सुकून ते मर तो सकूंगो, इसलिए मेरी एक प्रार्थना है तुम एक है जाओ मेरे घर और तुम मेरे संग चलो, मैं खाए तो रही जाएंगे, तुमने अगर छोटे बन जाओ तुम मेरी बात मान जाओ, वो तो मेरी बात ना मान ले। इन्हें पांचों ने के दिमाग में बात आई, बोले चलो चाचा होगी सो देखी जाएगी। ये पांचों भैया और चाचा लेके और जब चाचा के घर गए, माँ भी चारों जने बैठे पंचायत कर रहे और जे जैसे ही गए और जिन कछु नहीं सुनी बस जाए कि सवन के पावन गिर पड़े। अब खून कोई काट थोड़ी देगा, वो तो बैर को बीज बोयो भयो सोई भीतर ते भावना जग गई। चाचा ने कही नालायको मेरो भैया तो तुमने खा लो, अब कम से कम मुहे तो जीलन दे जिन्हें उठा लो। तब बिन भी भैया उठाए और पांच और चार नौ जेठ भर के मिले। चाचा ने कहा जुग जुग जियो, तुमने मेरी बात राख ली, तुमने मेरी बात मान ली, अब चाहे मैं अब ही मर जाऊं पर अब मरवे को गम नहीं होगा। बेटाओ बंधी भाई सोमनी ही झाड़ू लगाती है, यदि सोमनी बिखर जाए तो सीक है वो कूड़ा है वो झाड़ू नहीं कहलाती है। अब तुम नौ ने एक जगह बैठ के मैं बहुत सुकून मिल रहा है, अब मेरे सामने तुम नौ जने बैठ के तुम खीर पुआ खा ले। जब नौ जने ने बैठ के खीर पुआ खाए, बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी माताओं से प्रार्थना है मैया खून को खून से अलग करना ये महापाप है, ए चाचा से भतीजे को अलग करना, ताऊ से भतीजे को अलग करना, और वे छुप छुप के मिल रहे हैं तो काउनु काउदना तो वे मिलेंगे, क्योंकि पानी में डंडा मारे हुए थे पानी फटत ना, पानी में डंडा मारो नेक देर लगेगी को छटगो, लेकिन पानी तो जो के त्यों काउनु काउदना होगो, लेकिन तुम्हारो मोह फिर काला के रह जागो। हैं के कही ने जब ऐसा किया कोर करने की कोशिश की तो भरत ने कहा मैं ऐसी माँ को माँ नहीं कहूंगा जिसने भाई भाई में दरार डाल दी, जिसने भाई भाई से अलग कर दिया। लेकिन राम जी जब वनवास से लौट के आए ना, जब केकई के पास में गए तो केकई ने एक बात कही कि बेटा मैंने 14 साल कैसे काटी है, शायद तैने इतने दुख ते नहीं काटी, लेकिन मैं यहां मर न मर पाई और न जी पाई, बस यदि तू मुझे माँ कहता है तो मेरी एक प्रार्थना है। बोले का मोते भरत बहुत कठोर बोलता है, यदि बाकी और मेरे बैर है तू मिटा दे और बात यो कह दे कि वो मुझे एक बार माँ कह दे तो मैं तेरो ऋण कबू नहीं बोलूंगी। राम जी ने भरत को बुलाया अपने कमरे में और बुला करके कहा भरत तू मुझे मानता है मैं जानता हूं, लेकिन मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। अच्छा भरत को पता था कि केकई के भवन से आए हैं राम। भरत ने कहा भैया तुम मुझसे प्राण मांगोगे मैं प्राण दूंगा,
तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगा, लेकिन मेरे हृदय की बात बताऊं, आज्ञा दोगे तो मैं सब काम करूंगा, पर एक आज्ञा बड़ी मुश्किल से मैं मान पाऊंगा। बोले क्या? जिसने भैया भैया को अलग किया, जो मेरे बाप को खा गई, जिसने अयोध्या वासियों को इतने दिन आंसू खून के रुलाया है, यदि आप कहोगे मैं उसको मां कहूं, आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करूंगा पर मेरे कलेजे पे पत्थर रखना पड़ेगा। ऐसी मां को मां कहूं, मेरे बाप को खा गई, मेरे भैया को मुझसे दूर कर दिया। जो भैया भैया को दूर करती है वो मां कैसे हो सकती है? आप बताओ, जो मेरे बाप को खुशी खुशी खा गई, बाप मर गया था और वो आरती लेके ठाड़ी भरत में आया, आरती लेके ठाड़ी और कह रही कछुक काज विधि बीच बिगारा है, वो मां है? भैया मैं ये बात कैसे कैसे दिल स्वीकार करेगा मेरा? तब राम ने कहा, भरत तुझे नहीं पता इसके पीछे बड़ा रहस्य है, बस इतना समझ ले कि मेरी आज्ञा है एक बार केकई को मां कह दे। तो राम की आज्ञा मानने के कारण राम भरत को ले गए, मां के पांव छुपाए और तब भरत ने राम के कहने पर केकई को मां कहा। एरी मैया, मैं अभी सुबह चर्चा चली थी ना, पहले जो है चार चार छह छह बालक होते और सब साजे रहते, उनके भी ब्याह है जाते तब साजे रहते, लेकिन अब जो माताएं अलग अलग कर देती हैं ना, कोस पहले आते ही सोच के आती है अलग अलग करना है, तो खून को खून से दूर मत करना। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर मनों में तू दीवार न कर। माता सुनीति जहर नहीं बो रही है, वो कह रही बेटा तेरी मैया ने ठीक ही तो कहा है कि भजन कर, और भजन करेगा तो तेरे आगे पीछे ये गोदियां और गद्दियां डोलती रहेंगी, नहीं तो यदि बुरी बुरी बात पकड़ती तो जहर घोल देती ना, जय की चाची की तरह से। तो मेरी इस कथा से मेरी माताओं को, मेरी बहनों को ये कथा से शिक्षा जरूर ले लेना, जरूर मिली होगी, मुझे विश्वास है कि आज के बाद अजी लड़ाई तो होती रहती है, मिटती रहती है, समय अदलता रहता है, बदलता रहता है। कितनी बार तुम गांव में देखो, लोग मनाए जाते हैं, एक हो जाते हैं, फिर कजू तू तू मैं हो जाती है। अरे भैया चार वासन होंगे तो खटकेंगे, लेकिन वहां में जहर मत घोलो, नहीं कावदना केकई की तरह तुम्हारे ही बालक हैं। भरत ने क्या कहा था पता है? जब राम जी वनवास चले गए ना, तो भरत जी ने कुटिया बना ली नंदीग्राम में, और नंदीग्राम में कुटिया बना ली तो एक दिना केकई पहुंची वहीं डोली में बैठ कर गई, और भरत के पास पहुंची, भरत खड़ा हो गया, बोले आप यहां कैसे, आपको किसने बुलाया? तब रो करके कहती है हटीली तैने का ठानी मन में, भरत जी ने कहा है राम सिय भेज दियेरी वन में, पता है? कहती है कि मैंने ये सब तेरे ही लिए तो करो बेटा, ये माता ऐसा दिखाती है कि मैं बच्चे के लिए ही कर रही हूं, इसमें बच्चे की भलाई नहीं है, बच्चे की बुराई है, तुम उन्हें अपने परिवार में खेलने दो, अपने परिवार में मिलने दो, तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है? तुम ये सोच के सोचा करो कि तुम्हारे भैया भाभी चार भैया होए और अलग अलग फूट पड़ जाए बिन में, तो तुम्हें कैसा लगेगा है? अपने मायके में देखो कि तुम्हारो भैया तुम्हारे बाप ते न बोले, तुम्हारे भतीजे तुम्हारे चाचा ते न बोले, तो तुम्हें कैसा लगेगा है?
हटीली तैने का ठानीरी मन में राम सिया भेज दियेरी बन में। के कई कहती है कि मैंने तो तेरे लिए करो सब कछु, और पता है अब मेरे महलों में मन नहीं लग रहा। वो महल में काठ भी दौड़ रहे हैं, खाए रहे हैं। लेकिन भरत जी ने क्या कहा कि तुमने ही तो उन्हें मांगा था, मैंने तो मांगा नहीं था। अब उन्हें कम से कम भोगो तो सही, उनको स्वाद तो ले। ये तो समझो काऊ के पेट पे लात मार के हैं, जो भोग इकट्ठे किए जाते हैं उनको स्वाद कैसा होता है। तुमने जो है कौशल्या के पेट पे लात मारी, राम को भेज दिया। सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बेचारी, तुमने जंगल में भेज दी, अब्बा को स्वाद तो ले। भैया भरत जी महाराज कहते हैं, हटीली तैने काठानी मन में राम सिया भेज दिए रे बन में, राम सिया भेज दिए रे बन में। माताओं से, मेरी बहनों से मेरी प्रार्थना है, आज भरत भी अपनी जननी को मां कहना नहीं चाहता। कहीं ऐसा दिन तुम्हारे सामने ना जाए कि तुम्हारा ही बेटा तुमसे मां कहने में शर्म करे, उसे शर्म लगे कि तू मेरी मां। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी बही विदिशन कछुन बसाय। इसमें बड़ी गहरी कथा छुपी हुई है, खोलूं? केकई को ऐसा कलंक लगा, ऐसा कलंक क्यों लगा
ये कलंक आज तक नहीं धुलाए, ये कालिमा आज तक नहीं धुली है। आज तक भी कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता। क्यों? यहां भरत जी कहना चाहते हैं, जननी तू जननी भाई। बोले हंस वंश दशरथ जनक, बोले मेरो हंस जैसो वंश, दशरथ जैसे मेरे पिता, राम जैसे भाई, लखन जैसे भाई, ये सब कुछ अच्छा है, पर तू मेरी जननी कहां से आ गई? और तू तो अपनी मां की मां निकली। इसमें बड़ी गहराई है, लेकिन 4 बज गए, इसमें 5 मिनट लगेंगी मैया, 4-5 मिनट लगेंगे। हाँ उठना नहीं तो बस 4 मिनट में समेट दूंगा, कथा थोड़ी लंबी है, संक्षेप में कर रहा हूं। जननी तू जननी भाई, तू मां की भी मां निकली। ये जो केकई थी, इसकी मां बहुत ज्यादा जिद्दीली थी। इनके जो पिताजी केक थे, वो पशु पंछियों की भाषा समझते थे। वो जो विद्या उन्होंने पढ़ी थी, तो एक दिन थाली में से एक चींटी जो है शक्कर का गुड़ का कण लेके जा रही थी। आगे से एक चैंटा आयो, चैंटा ने कही कि तू मुझे दे दे और लिया, चूंकि मैंने को मोटो हूं, थारी में दिखूंगो तो घुसन नहीं देगा, और तू छोटी सी है दिखना रही। उन दोनों की बात है रही, तो राजा केक को हंसी आ गई। अच्छा नारियों को जो है ना, ये लगती है कि जी मुंह पर ही हंस रहे हैं। अब वो जिद पर गई, तुम क्यों हंसे बताओ। अच्छा जिनसे ये विद्या सीखी थी, उन्होंने कहा जिस दिन तुम इस रहस्य को बता दोगे, उस दिन तुम पत्थर के हो जाओगे। अब वो जिद पर गई, बोली मैं ये बता नहीं पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। बोले क्यों नहीं बता पाओगे? बोले मैं पत्थर का हो जाऊंगा। तो इतनी जिद कर ली, बोले भले ही पत्थर के है जाओ, पर मुझे बता नहीं भाई। केकई ने जय तो कही तुम मरो तो मर जाओ है, लेकिन मुझे राम को वनवास और भरत की गद्दी चाहिए। तो बिल्कुल यही बात तो है गई, तो जननी तू। अब क्या हुआ? वो बोली के आदमी बोले होगा ठीक है, मुझे मरनो ही है, पत्थर को ही होना है, तो तू मुझे ले चल गंगा जी। गंगा जी के किनारे में तो बतांगो, तो कम से कम पत्थर बने हो, तो कम से कम गंगा जी को तो बनूंगो, सो मेरो कल्याण है जागो, उद्धार है जागो। अब ये गंगा जी लेके चल दई मरवावे के लिए। रास्ता में कहा भयो कि ये राजा केक जो थे वो धर्मात्मा थे थोड़े, तभी तो ये विद्या जानते थे। तो एक एक श्लोक का चरण है, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हन्ति, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म जो था वो राजा केक की आंख खोलने के लिए रास्ते में आ गया, जोड़ा बना करके बकरी और बकरा का। बकरी चर रही थी, वो बकरा भी चर रहा था, तो एक जो है वहां कुआ था, कुआ में घास लटक रही थी। तो बकरी आकर के बकरे से कहती है कि मुझे वो कुएं की लटकी हुई घास खानी है। बकरा बोलो खा ले, को नहीं करो, बोल नहीं तुम मोहते खींच के लाओ, बामे में गिर पड़ूंगी, मतलब तू भले ही गिर जा है? मैं गिर पड़ूंगी, बोले तुम लेके आओ। सो बकरा ने, अच्छा भाषा तो समझते ही राजा के, इन दोनों की भाषा समझ रहे कि जन मुझे बात चल रही है। सो बकरा कहता है कि मैं राजा के को ना, जो भाई रानी के कहवे पे मरवे चल दो है, मैं तो बकरा हूं, सो दे हुड है। सो ही बकरी आकर बोले खावेगी घास, ले खावेगी घास, बोले ना ना मो ना लेनी। समझ गए? इस बात को भरत जी ने केकई से कहा कि हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछुन बसाई। वो तो अपने राजा केक को खाने चली थी और वो तो खाए नहीं पाई, लेकिन तू तो मेरे बाप है, खाए गई, तो तू तो अपनी माँ की भी माँ निकली। तो मैया ऐसा कलंक लगे हो, केकई ऐसा कलंक लगे हो, काय के कारण? भैया भैया को अलग किया था।
है, तो ऐसी कभी कोशिश मत करना, भैया भैया को अलग मत करना, माँ बेटा को बोलो बोलो, अरे करियो चाहे मत करियो, बोल तो देव ने कर, माँ बेटा को अलग मत करना, भैया भैया को, चाचा भतीजे को, चाचा ताऊ को अलग मत करना। बस 10% यूं कर रही हैं, करना करेंगी, जो कछु तो प्लान बना के बैठी है, है? कछुनों की चल रही होगी प्रोसेसिंग, तो वो कैसे कह दे क्या वो नहीं करेंगे। पर मैं तो भैया आज चौथो दिन ही तो है गो, है और तो 3 दिना रह गए, मैं तो 3 दिना कहूँ, और मुझे तो ये कलसाना वाले सब मिलके बुला के लाए हैं कि बाबा हमारे यहाँ 7 दिना बांग दे दे, मैं तो मुर्गा हूँ, है अब भैया मेरे काम बांग देवे को तुम चाहे जगो आदमी दिना कह रहो, ये तो वाकई मेरी बात है सुन नहीं है और मानेंगे नहीं, तुम मानोगी पैसे तो कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं तो 3 दिना को मेहमान हूं और हूं, बात मानो न मानो खुशी। संत की बात पर जो भी चल जाए वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाए। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी बजाओ। अब एक भजन होगा फिर आरती होगी, नाचने वाला केवल नाचने वाले खड़े हों, हाँ माताएं खड़ी नहीं होंगी, केवल नाचने वाली खड़ी होंगी, और जो परिचित परिवार है ना जे कछु करो मैं जानता हूं, चाहे ठाड़ी है जाओ चाहे बैठ जाओ चाहे नाचो चाहे कूदो चाहे सो जाम छूट है, ठीक है हाँ।
अर्पण ओ पाप पुण्य सब तेरे अर्पण ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण ये जीवन भी तुझे समर्पण मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी मेरे प्राण आधार सवरिया कन्हैया सवरिया ये जल पर